हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में। 25 रुपये में शेयर का प्राइस मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पर हम देखोगे तो 56% की अच्छा रिटर्न दिया है। 2020 में लिस्टिंग हुआ था 16 रुपये करके और करीबन हाई लगा दिया था कंपनी 53 रुपये। आज देखिए कहाँ पर है, कंपनी को क्या बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, हम लोग देखेंगे। बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो उसको अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू डाउन, नेटवर्क डाउन, प्रॉफिट डाउन, तो ज़्यादा नहीं, कम पैसे हम लोग लगाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 75%, रिटेल इन्वेस्टर 22%, फॉरन इन्वेस्टर 2.5%, यहाँ पर माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे, BSE और NSE दोनों में मिल जाएगा। 12,000 करोड़ का मार्केट का है। पी नेगेटिव है, गूगल नेगेटिव है, डिविडेंड नहीं देता है, ROE नेगेटिव, फेस वैल्यू 1 का है। कर्जा 26 करोड़ का है, रिजर्व ने रखा है 8% है। वॉल्यूम ठीक है, फ्री कैश ने रखा है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटवर्क नेगेटिव, 6 महीने में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। सेल ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव, प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, तो ज़्यादा नहीं, कम पैसा लगाएंगे, लंबे अवधि के लिए होल्ड करेंगे। कंपनी हम लोग को अच्छा रिटर्न दे सकता है।